हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे आप सभी? उम्मीद करते आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग 6 बजे का क्लिप है और मैं आज इनका आरोही का नाश्ते के लिए देखिए ओट्स में बना दे रही हूँ। तो ये ओट्स ना, ये चीनी वाला है, जो कि हमको पता नहीं था जब मैं वहाँ पर पढ़ी तो यहाँ पर दिया हुआ था चीनी वाला है, और आरोही ना नमक वाला। जब मेरा नानी घर गई थी उस टाइम मामी जी बना देते थे नमक वाला, तो वो खाती थी, तो मैं सोची कि इसको भी खाएगी। तो मैं अभी बना के देखती हूँ कि आरोही खाती है या नहीं खाती है। तो अभी मैं इसको भिगो के और करीब 10-15 मिनट छोड़ दूँगी, उसके बाद इसको मैं फिर गर्म करके उतार दूँगी। और ना जैसे कि होते हैं ना कि मैं गांव में रहती थी तो सुबह सुबह 4 बजे, कभी 4:30 बजे इस तरफ से उठती थी, तो आज मैं ना यहाँ पे 5:30 बजे उठी हूँ। तो जैसे कि जहाँ पे जगह चेंज हो जाते हैं तो उसके हिसाब से रूटीन भी मेरे चेंज हो जाते हैं। अब ये सबके साथ होते होंगे, मेरे साथ भी ऐसे ही होते हैं। तो मेरे साथ देखिए जगह चेंज हो गया, तो मैं आज लेट से उठी, और हस्बैंड जी का तो आज कहीं जाना नहीं है, बस अभी थोड़ा सा वो कहीं गए हुए हैं, इसलिए मैं और भी लेट से उठी। तो सोची आराम से काम करूँगी। और गांव में होते हैं ना कि हड़बड़ी हो जाती है, कि बहुत सारे काम होते हैं ना गांव में, इसलिए हड़बड़ी हो जाती है कि जल्दी से सब कुछ हम ही को करना है। इसलिए धूप के कारण और भी जल्दी मैं वहाँ पर हड़बड़ा पर सारा काम भी कर लेती थी। तो ये पता नहीं सबके साथ होते थे या मेरे ही साथ ऐसा होता है। हर औरत को शादी के बाद ये परेशानी तो होते ही होती है, जैसे कि मेरे साथ होते हैं। कभी गांव का घर भी देखना है, कभी हस्बैंड जी के यहाँ देखना है, कभी मायके भी देखना है। ये तो पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा। मैं तो कहीं यहाँ वहाँ होते रहती हूँ, कभी अपना घर, कभी गांव का घर, कभी हस्बैंड जी का घर, कभी मायके, कभी नानी घर। तो इसी तरह से मैं, मेरे साथ होते ही रहता है। पता नहीं आप लोग के साथ होते हैं या नहीं होते हैं। तो मैं तो परेशान हो जाती हूँ इस तरह से, कैसे संभालती हूँ मैं अपने बच्चों को और घर भी। तो आप सोच सकते हैं, घर का भी मैनेज करना है, हस्बैंड जो को भी मैनेज करना है, अपने बच्चे को भी मैनेज करना है। और अभी मेरी बेटी ना बस अभी छोटी है, इसलिए मैं अभी तो हर जगह पे मैनेज कर लेती हूँ। अगर ये स्कूल वगैरह चल जाएगी, एडमिशन हो जाएगा, तो ये मैं तो कहीं भी नहीं जा पाऊँगी। पता नहीं उस टाइम क्या होगा, तो वो समय ही बताएगा। अभी सोच रही थी कि इसका एडमिशन के लिए, लेकिन अभी ये हस्बैंड जी बोल रहे नहीं, अभी नहीं करवाऊँगी, कुछ दिन के बाद अभी देख लेती हूँ। तो अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है ना, तो बच्चे हैं, तो अभी धूप बहुत ही ज़्यादा लग जाएंगे। ऐसे तो मेरा यहाँ कभी वहाँ होते रहते हैं, इसलिए मैं अभी सोच रही हूँ कि कहाँ करवाऊँगी, गाँव में या फिर यहाँ पर। तो वो अभी समय बताएगा कि क्या करूँगी। तो अभी यहाँ पर देखिए मैं रूम को झाड़ू लगा लेती हूँ, और यहाँ पर देखिए आरोही ना सुबह सुबह भी पढ़ने लग जाती है अपने पापा के साथ, और पापा यहाँ इनको पढ़ा रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं 6:44, तो अभी देखिए बैठ के आराम से दोनों पढ़ रहे हैं। और आरोही ना पढ़ाने से ना पढ़ती है, दूसरे बच्चों की तरह नहीं कि नहीं पढ़ेंगे सो, जब इनके साथ जितने देर तक आप पढ़िएगा उतने देर तक लेट से भी ये पढ़ेगी। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे देखिए मेरे रूम का झाड़ू लगाया हो जाता है, और यहाँ देखिए कितने सारे कचरे निकले हैं। ये शाम सुबह हमेशा यहाँ पे झाड़ू लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी देखिए कचरे कितने ज़्यादा हो गए हैं। और कैसे मैं संभाल लेती हूँ, देखिए यहाँ का घर भी, मायके भी। जैसे कि मायके में कुछ दिन पहले मम्मी का साथ ऐसा हुआ, तो मायके भी मैं चली गई, उसके बाद फिर घर का भी संभालना पड़ता है, उसके बाद फिर मैं यहाँ भी आ गई। कैसे तीनों जगह मैं संभाल लेती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह, हर औरत के साथ होता ही होगा बहुत कोई तो। और ये जो मेरे साथ होते हैं ना, ये तो सभी के साथ मेरे लगभग होते ही होंगे सभी के साथ। बहुत कोई ऐसे होते हैं कि बस अपना घर ही संभालते हैं, उन्हीं लोग का अच्छा रहता है। मेरा तो कभी यहाँ कभी वहाँ, अभी तो बस मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ वहाँ हो पा रही हूँ। तो फिर उसके बाद ना यहाँ पे देखिए मैंने सारे रूम को झाड़ू लगा लिया है, किचन भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा के, और यहाँ पे अंदर रूम को भी मैंने पोछा लगा दिया है। तो बस थोड़ा सा मेरा यहाँ पे बच जाता है, और यहाँ पे ना ज़्यादा ना झाड़ू लगाना है, ज़्यादा ना पोछा लगाना है। तो जैसे कि छोटा छोटे रूम है ना, तो जल्दी ही हो जाते हैं, और भी जल्दी अगर सुबह उठते हैं तो जल्दी ही हो जाते हैं। तो अभी बज रहे हैं 7, और यहाँ पे देखिए फिर मेरा यहाँ पे पोछा लग के हो गया है कंप्लीट। और मैंने नाश्ते में अभी कुछ नहीं बनाया है, जो बस ओट्स ही बनाए हैं।
उसके बाद ना यहाँ पे देखिए बाहर में भी मैं धो लेती हूँ, और यहाँ पे ना काफ़ी बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे थे, क्योंकि हस्बैंड जी को टाइम नहीं मिलता था तो हस्बैंड जी यहाँ पे धो भी नहीं पाते थे, इसलिए मैं सोची कि मैं ही अच्छे से धो देती हूँ। और मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना तब से मैं यहाँ पे रोज़ धो रही हूँ, तो अच्छा लगता है साफ़ साफ़, और यहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं ना तो अच्छा रहता है। उसके बाद ना हस्बैंड जी बोलते हैं कि पहले तुम कुछ नाश्ता कर लो और उसके बाद तुम नहाते रहना या तो फिर दूसरा कुछ करना। तो फिर ना यहाँ पे हस्बैंड जी यहाँ पे कुछ पढ़ भी रहे थे और किन्हीं से फ़ोन में बात भी कर रहे थे, तो ये जो लाए थे ना ये, तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी लस्सी लाए थे, तो वहीं पे आरोही भी अपना वाला पी ली है और मेरा वाला भी पी गई है। तो यहाँ पे देखिए फिर हम लोग दोनों ना मिल बांट के पी लेते हैं इसको, लस्सी को। और अभी नाश्ते में बस ज़्यादा कुछ नहीं, ग्रेप्स है और अनार है, तो उसी का बस हम लोग नाश्ता बैठ के कर रहे हैं। उसके बाद ना मैं सोची कि सब्जी बना लेती हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं सब्जी बना ली, जितने भी सारे प्याज वगैरह थे उसको कट करके भून ली हूँ अच्छे से। और ये ना कटहल है जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, जैसे अगर आपको कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले देखें कि कटहल का मैं कटिंग करके सब्जी बनाई थी, तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं आज कटहल का सब्जी बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से भून ले रही हूँ, और आलू भी मैंने बॉयल कर लिया था तो उसको भी मैं अच्छे से मसाला के साथ अच्छे से भून ली हूँ, और फिर मेरा सब्जी और यहाँ पे दोपहर का खाना भी हो जाता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी बोलते हैं दो आज जल्दी खाना बन गया है तो आज हम खा ही लेते हैं। तो सुबह में बस ओट्स खाए थे, और यहाँ पे देखिए ये अभी फिर चावल और सब्जी खा रहे हैं, तो ये बोले कि बहुत ही अच्छा लगा कटहल का सब्जी, तो फिर हमको भी बहुत ही अच्छा लगता है कटहल का सब्जी, तो फिर वो खाने लगते हैं। तो फिर वो, तो यहाँ पे मैं ना ये गेहूँ जो घर से लाए थे उसको मैं साफ़ करके और एक झोली में भर देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी अभी उधर जाएंगे तो इसको भी पिसवा के लेते आएंगे। और ये जो गेहूँ है ना मैं घर में धोई थी, बस वहाँ पे थोड़ा सा साफ़ नहीं की थी, धोने के बाद जैसे कि हवा में आ जाते हैं ना तो वही सब कंकड़ सब पत्ते वगैरह आ गए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ। और फ्रेंड मैं, मेरा वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैं अपना वीडियो यहीं तक एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल पे, अगर आप नए भी आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, प्यार सा लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।